तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सबसे अजीब मूवी देखकर आया हूँ। जी हाँ, शायद आपने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। और ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी मूवी थोड़ी सी भी स्पॉइल हो। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले एक हफ्ते से नए नए टीवी स्पॉट्स ने आधी मूवी तो स्पॉइल कर ही दी, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा क्योंकि गरुड़ पुराण में इसकी अलग से सजा है। तो आपका वक्त जाया ना करते हुए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मूवी काफी अच्छी थी, लेकिन मैं इस मूवी से बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मूवी आपकी सोच से भी ऊपर का काम करती है। इसलिए कुछ सोच कर मत जाना, कोई एक्सपेक्टेशन मत करना, बस खुले दिमाग से जाना तो आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, VFX, CGI सब नेक्स्ट लेवल है। और ये मार्वल की पहली ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे सबसे बढ़िया इस मूवी में वांडा मैक्सिमोफ लगी। और अगर आप लोग भी देखने जाओगे तो आपकी भी राय सेम यही होगी, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन ने काम ही ऐसा किया है। मतलब जिस कैरेक्टर से आपको एक टाइम पर प्यार था, उसी कैरेक्टर को देखने पर आपको डर फील होगा और साथ में गूसबम्स भी आएंगे। मतलब आप ये मान लो कि मूवी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की, लेकिन इस मूवी में जिसने जान डाली है वो है वांडा। लेकिन इसी बीच आप डॉक्टर स्ट्रेंज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी क्या मस्त एक्टिंग करी है। मतलब अगर इमोशनल मूवमेंट हो या फिर एक्शन मूवमेंट, सबको उन्होंने स्पेशल बना दिया। और इस मूवी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है अमेरिकन सैवेज, और इसी के इर्द गिर्द इस मूवी की कहानी घूमती है। मतलब हर एक सीन में अमेरिकन सैवेज का होना बहुत जरूरी है। ये MCU की काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और मूवी की एक्शन की बात करें तो उसमें कहीं भी कमी नहीं थी। जैसे एक्शन दिखाने चाहिए वो सब इसमें है, और उससे भी ज्यादा चीजें इसमें है। डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छाई और जिम्मेदारी, वांडा का गुस्सा और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना, और मल्टीवर्स की थ्योरीज इसमें काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। तो अब बात करें मूवी की नेगेटिव पॉइंट की, तो हाँ, मूवी में नेगेटिव पॉइंट है, और वो है इस मूवी की लेंथ। मतलब हमें हर बार मूवी से शिकायत होती है कि मूवी काफी लंबी है, जिसकी वजह से वो बोरिंग हो जाती है, लेकिन इसमें उल्टा है, ये मूवी काफी छोटी फील होती है। मतलब यार, आप सोच कर देखो कि जो मूवी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर बन रही है और इतनी सारी मूवीज से लिंक है, उसका तो बड़ा होना बनता है ना। उसमें जितना भी दिखाओ वो कम ही है। और मूवी देखते हुए आपको लगेगा कि मूवी स्टार्ट कब हुई, इंटरवल कब हुआ और खत्म कब हो गई, कब आई और कब चली गई। लेकिन उतने टाइम में भी आपको इतना कुछ दिखाया है कि आप बोर तो नहीं होगे। हर एक सीन में आपकी नजर सिर्फ स्क्रीन पर होगी, मूवी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी कुछ और सोचने के लिए। लेकिन फिर भी आप मूवी देखने के बाद कहोगे कि हमें और भी देखना है, हमें और चाहिए। और मेरे मन में भी ऐसी सवाल आया था कि बस इतना ही। और दूसरा नेगेटिव पार्ट आपको लगेगा मूवी की एक्सपेक्टेशन। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इस मूवी को देखने से पहले कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया, अगर वो नहीं आया तो मूवी बेकार हो जाएगी। मूवी आपको उससे भी ज्यादा, उससे भी अलग अलग चीजें दिखाएगी, और उस चीज में आप इस नेगेटिव पार्ट को भी ओवरकम कर जाओगे। लेकिन जो आएगा मूवी को देखने बस एक्सपेक्टेशन के लिए, उसके लिए तो क्या ही बोले। और अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मूवी एक मास्टरपीस है। हमको ऐसा लगा था कि एवेंजर एंडगेम के बाद अब सब कुछ सूना सूना सा हो जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा मार्वल की मूवीज देख। लेकिन अभी तक आई हुई लोकी की सीरीज, स्पाइडरमैन नो वे होम, मून नाइट और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने हमारी सोच को बदल कर रख दी। और मार्वल ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो आप जल्दी से जाइए और इस मूवी को देखिए, और थिएटर में ही देखना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो तो स्पॉइलर फ्री वीडियो है, इसके बाद वाली वीडियो में हम मूवी के स्पॉइलर्स के बारे में बात करेंगे कि मूवी में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज किस चीज से लिंक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।